हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचरस प्लेस पे। यहाँ एक बार तो हर कोई जाना ही चाहेगा। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं मनाली की। ये जर्नी हमने स्टार्ट की 24 मार्च को। ये जर्नी 2 दिन की थी, जिसमें हमने पहाड़ों और नदियों के खूबसूरत नज़ारों को देखा। वी ऑल्सो वेंट टू मणिकरण एंड कसोल। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन दिस ब्यूटिफुल जर्नी। ये जर्नी स्टार्ट हुई लुधियाना के बस स्टैंड से, जहाँ पहले तो हमें थोड़ी देर मनाली की बस के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। बट फिर एक बस तो मिली, बट हमें उसका कंडक्टर और ड्राइवर कुछ ठीक नहीं लगा। फिर हमने ले ली चंडीगढ़ की बस और 2 घंटों की हैक्टिक जर्नी के बाद पहुँचे चंडीगढ़। और ये है चंडीगढ़ का बस स्टैंड। अभी तो यार इस समय बहुत बंदे कम हैं और बसेस भी ज़्यादा नहीं है। देन फाइनली वी फाउंड द काउंटर नंबर जहाँ पे मनाली की बस आनी थी। देन उसी टाइम हमें वहाँ पे हरियाणा रोडवेज की बस का कंडक्टर मिला और उन्होंने हमें बताया कि वो बस सामने खड़ी है जो मनाली जानी थी, और हम फटाफट उस बस में चल दिए। तो ये है वो बस जिसमें हमने जाना है। ये हरियाणा रोडवेज की बस है और इनकी स्पीड तो होती बहुत तेज़ है। ये बस का कुछ इंटीरियर है और ये बस की सीट्स हैं। अभी तो फ़िलहाल बस खाली पड़ी है क्योंकि अभी चलनी है। थोड़ी देर में ये 10 बजे चल जाएगी। यहाँ से अभी 9:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों, इस बस का फेयर है मनाली तक चंडीगढ़ से 644 रुपीज़, और इसमें 3 से 12 साल के बच्चे की आधी टिकट। तो यार अभी 4:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं मनाली के बस अड्डे पर, और यहाँ पे अप्रॉक्स -5 डिग्री टेम्परेचर है और ठंड इतनी ज़्यादा है। और यार इतनी ठंड में यहाँ पे मिलती है चाय। और यार यहाँ पे कोई भी नहीं घूम रहा रात को, बिल्कुल सुनसान जगह है। दूर दूर तक कर कुछ भी नहीं दिख रहा, बस यहीं पे है। और पता नहीं अभी होटल भी ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल में पूछने के लिए। अभी प्राइस पूछेंगे होटल में कितना है। और अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। सॉरी यार, अंधेरे में मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई रास्ते में भी, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। अभी 4:40 हो रहे हैं और मनाली का माहौल कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पे -5 डिग्री है, हाथ पूरे जम चुके हैं। तो देखिए इस समय हम लोग मनाली की सड़कों पे डोल रहे हैं और हमें सुबह 11 बजे तक अप्रॉक्स वेट करना पड़ेगा रूम के लिए। और अभी भी सुबह के 5 ही बजे हैं और बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अभी भी। देखिए आसपास भी मतलब कोई नहीं है, हमें सड़कों पे बितानी पड़ेगी आज की पूरी रात। मुश्किलें तो बहुत थी उस वक्त, पर तभी हमें उन मुश्किलों का हल मिलता है एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में। हम उनकी टैक्सी बुक करते हैं और चले जाते हैं वशिष्ठ टेंपल बाथ के लिए। तो ये है वशिष्ठ टेंपल में गर्म पानी का कुंड, और यहाँ पे नेचुरली गर्म पानी आता है। यहाँ पे भी नहा सकते हैं, और पीछे वहाँ पे टनल के में से पानी आता है, गर्म पानी आता है, एक में ठंडा पानी आता है, वहाँ से भी नहा सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे नहाने से सारे दर्द दूर हो जाते हैं शरीर के, तो एक बार तो यहाँ पे ज़रूर नहाना चाहिए अगर आप लोग मनाली आते हैं तो। और यहाँ बाहर से दिख रहा था बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पहाड़ों का। तो फिलहाल मैंने नहा लिया है और यहाँ पे नहा के पूरी थकान दूर हो जाती है। सो हम लोग रेडी हो चुके हैं अभी, मतलब इसके ऊपर स्वेटर और जैकेट भी पहनना है। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे स्नो माउंटेंस पे। एक बार यार व्यू देखिए यहाँ से, क्या ही बढ़िया स्नो माउंटेंस का व्यू आ रहा है। आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए आप हमारे इस ब्लॉग में। तो ये कुछ यहाँ का मंदिर है। सो फाइनली
हमने वशिष्ठ टेंपल घूम लिया, अब हम आगे जा रहे हैं। तो आप इजीली वशिष्ठ टेंपल टैक्सी से आ सकते हो, या आपको मॉल रोड से या कहीं से भी मिल जाएगी, वशिष्ठ टेंपल छोड़ देगी। और इसका फेयर डिपेंड करता है। वशिष्ठ टेंपल के बाद हम लोग गए हडिम्बा देवी टेंपल, और ये मनाली का बहुत ही फेमस और पुराना मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर हम फोटोग्राफी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लिखा है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और हडिम्बा देवी टेंपल के पास आप लोग आपको शांति वाले माहौल में महसूस करोगे। यहाँ पे इतनी शांति है, और वैसे ही सुबह का माहौल था तो शांति तो बहुत ज़्यादा थी। तो फाइनली हमने टेंपल में दर्शन कर लिए हैं, और यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और सुकून मिलता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है, आपको भी जब मनाली आए ना तो एक बार ज़रूर यहाँ पे तो आना ही चाहिए। ये देखिए पीछे भी, यहाँ का एनवायरनमेंट सबसे अच्छा लगा मेरे को। सो हमने यहाँ पे एक ब्रेक लिया है, यहाँ पे हम लोग खाने वाले पराठा, और यहाँ पे आपको 50 रुपये का एक पराठा मिलता है, और इसका साइज़ बता रहे बहुत बड़ा होता है पराठा। बाकी यहाँ से व्यू भी कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, और आगे स्नो भी मिलेगी। क्या कह रहे हैं 4 फीट इतनी स्नो होगी मेरे तक पर। हाँ तो बोल रहे हैं कि आगे बहुत स्नो होगी, और बोल रहे हैं कि हमें ये स्नो क्लोथ्स खरीद लेनी चाहिए, बट हम नहीं खरीद रहे। वैसे तो अच्छे होते हैं, पर हम खरीद नहीं। तो हमारे टैक्सी वाले भैया ने हमें बताया कि यहाँ 9 बजे के बाद लाइनें लग जाती हैं, आगे जाने को रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो हमें सुबह सुबह ले गए। उन्होंने तो ये भी बताया कि कभी कभी मनाली से सोलांग वैली जाने में 5-5 घंटे लग जाते हैं। और सामने का व्यू देख के तो बर्फ़ में जाने की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। तो ये सोलांग वैली है, हम अभी यहाँ पर रुक नहीं रहे, हम लोग आगे जा रहे हैं, और अभी स्नो दिखनी स्टार्ट हो गई है। और फिर फाइनली हम लोग पहुंचे अटल टनल, और ये एशिया की इतनी हाइट पे सबसे बड़ी टनल है। अटल टनल इतनी लंबी थी कि जल्दी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मुझे तो इस टनल में नींद ही आ गई, इसलिए मैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से निकलने का सीन ही नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। और बाकी इसके बाद अटल टनल से निकलने से बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। और सीसू के रास्ते में दोनों तरफ 25-25 फुट की बर्फ़ की दीवारें दिखी, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी। देन कुछ देर बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए सीसू, और ये सीसू का ग्राउंड है जहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिप लाइन भी होती है, यहाँ पे कुछ दुकानें रेडियाँ भी लगी हैं जहाँ पे मैगी मिलती और है। देखिए ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है स्नो में, तो स्नो कुछ ऐसी होती है। बाकी देखिए चारों ओर सफ़ेदी है, बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। अल्टीमेट फील ब्रो। यार बर्फ ना थोड़ी ना नरम होनी चाहिए, हाँ भाई हाथ जम जाता है। वो देखो भाई स्नोमैन, और देखिए ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है स्नो में, तो स्नो कुछ ऐसी होती है। बाकी देखिए चारों ओर सफ़ेदी है, बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। अल्टीमेट फील ब्रो। तो देखिए ओ भाई, ओए भाई यहाँ पे पैर बहुत फिसल रहा है। और वहाँ पे हम लोग जा नहीं रहे, वहाँ पे नदी है। वाह यार फर्स्ट टाइम टचिंग स्नो। तो देखिए कुछ ऐसी होती है बर्फ, हाथ में लेते ही ना पिघलने लग जाती है। वाह यार अल्टीमेट एक्सपीरियंस फॉर मी। ये सख्त है ना तो जोर के लगेगी। यार इसमें स्नो वाइट नहीं खेल सकते, ये बड़ी बड़ी जोर से लगती है।
और देखिए ये रही नदी, चंद्रा नदी है, ये पाकिस्तान जाती है। तो यार अभी मेरा भाई देखिए जिप लाइन में जा रहा है। वो देखिए इधर है लॉन्गेस्ट जिप लाइन वे टू वाटरफॉल क्रॉसिंग चंद्रा रिवर। तो ये सो गाइस अभी मेरा भाई इधर से जाएगा, वो खड़ा हुआ है भाई। यार वो कह रहा था एक बारी एक्सपीरियंस करूंगा, एक बारी एक्सपीरियंस घूमने आए हैं तो मजा आएगा करके, तो वो कर रहे हैं। तो इसके आगे जाने नहीं दे रहे क्योंकि गिर भी सकते हैं, अगर गिरे तो। तो अभी वो जाएगा, मत करना फिर, किसने कहा था करने को। देखिए वैसे होता है, देखिए अब ये भी जाने वाले बस। ओ अल्टीमेट भाई गया मेरा भाई। वो वाले पॉइंट पे जाएगा, इतनी दूर चल गए एकदम ही। वो तो जूम कर रहा हूँ ना इतना भाई। तो वो खड़ा मेरा भाई आने वाला है, लगता नेक्स्ट कुछ ही भेजेंगे। भेज दिया भाई, वो आ रहा है मेरा। कहा गया दिख नहीं रहा, यार वो दिखा आ रहा भाई। अब उसका रिव्यू लेंगे कि डर लगा, ये कैसे लगा, मजा आया, ये कैसा था। तो यार ये बात क्या हुआ, मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा। मेरा भाई आ चुका है जिसने रेड क्लॉथ्स डाले हुए हैं। यार बहुत लग रही है, आ गया सीढ़ियां दौड़ के आ रहा है। सो अभी उसका रिव्यू पूछते हैं कि उसे कैसा लगा। आजा भाई, वो आ ही नहीं रहा, खड़ा हो गया रास्ते में। भाई कैसा लगा जाके? डर लग रहा है यार, बहुत ज्यादा डर, खतरनाक थी। थोड़ा डर लग, पहली बारी तू जाएगा ना, बहुत डर लगेगा। सो ये कह रहे हैं इन्हें बहुत ज्यादा डर लगा क्योंकि ये पहली फर्स्ट टाइम गई है। भाई अभी स्नो लगी थी। सो ये कह रहे हैं मैं पहली बारी गया हूँ ना, इसलिए इनको डर लग रहा था। सो इधर से जाते हैं, उधर वापिस आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर उन्होंने कह दिया तो डर लग रहा, तो मुझे तो भी लगेगा ही ना। आप उधर क्या कर रहे थे जब जिप लाइन में? बताओ थे कि सॉफ्टवेयर। अच्छा सॉफ्टवेयर आपसे खेल रहे थे। तो यार अगर उन्हें डर लगा है तो मुझे भी तो लगेगा ही ना, सिंपल बात है। अगर उन्हें डर लगे तो तो यार काफी देर खेलने के बाद मैं थक चुका हूँ, और यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड लग नहीं रही जितनी सोचा था, उससे कम ही ठंड है। टोपी भी उतार दी, बर्फ भाई बहुत ज्यादा ठंडी है, ये घर पे भी बना सकते हैं, आइस को पीस तो बन जाती है। सो अभी हम लोग यहाँ से मैगी ले रहे हैं, और इनकी मैगी का प्राइस है 60 रुपीस। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पे कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है, तो उसका प्राइस ही बहुत ज़्यादा है बाहर, इतना ज़्यादा प्राइस है। मैगी ही 60 रुपये की है, और लो बाकी सब कुछ कितना महंगा होगा। तो अभी हम यहाँ से वापस दे रहे हैं,
तो भी इस कार से हम लोग वापिस ही जा रहे हैं। तो यह ने बताया कि इतनी हाइट पे, मतलब ये थोड़ी हाई, यहाँ पे हम लोग थोड़ा भागते हैं तो हमें सांस चढ़ जाती है, इसलिए। हम लोगों ने अभी यहाँ पे ब्रेक लिया है और अभी हम लोग भुट्टा खा रहे हैं। यहाँ आपको रास्ते में भुट्टे वाले मिल जाएंगे, आप इनसे खा सकते हो। एक का प्राइस रहता है 50 रुपये और बार्गेनिंग नहीं होती। उसके बाद हम लोग फाइनली पहुँचे मनाली और हमने लिया होटल, और ये होटल के बाहर का कुछ व्यू है। सो यार अभी फ़िलहाल अपने फ़ोन को चार्ज करता हूँ, इसमें चार्जिंग भी ख़त्म होने वाली है, और शाम को फिर चलेंगे मॉल रोड का स्ट्रीट फूड और सब फूड एक्सप्लोर करने, भूख भी लगी हुई है। तो अभी 4 बज रहे हैं और हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं। तो ये होटल है, इसमें कुछ भी नहीं चलता। तो यार देखते हैं इस समय हमें खाने को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों ये है मनाली का मॉल रोड और ये रहा मॉल रोड का माहौल इस समय। देखे यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है इस समय भी, और यहाँ पे कितनी सारी खाने पीने की भी दुकानें हैं, पर इनका खाना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, मिठाइयाँ, मोमोज, साउथ इंडियन, पंजाबी, चाइनीज़, सब तरह का फूड यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये है छोटे वाले गुलाब जामुन और ये आपको मिल जाएंगे 50 रुपीज़ के, ये होते हैं एक, मतलब कोली में आ जाते हैं 50 रुपीज़ की होते हैं ये। और बाकी इसका टेस्ट मैंने किया था और ये थोड़े डिसेंट से थे। सो अभी हम लोग आए हैं 1VR मनाली और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री की स्लाइड्स मिल जाएंगी, जैसे कि ये है, और ऐसे मतलब ये एक मतलब गार्डन सा बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग आके घूम सकते हो और यहाँ पे फीलिंग अच्छी आ रही है। तो एक बार ये देखिए कितने लंबे पेड़ हैं ये, मुझे लगता है वीडियो में इतने अच्छे से लंबे ना दिख रहे हो, पर असली में इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइट है इन पेड़ों की। और इसके आगे ना असली जंगल है, मतलब कि ये 1VR है और यहाँ पे जालियाँ लगाई हैं क्योंकि ये वाला असली जंगल है। देखिए एक बार, डेंजरस ब्रो। तो देखिए इधर कुछ ऐसे का माहौल होता है। ये जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। और इसमें भाई मतलब इसका यहाँ पे क्लाइमेट कूल है। देखे कितनी अच्छी साउंड है वाटर के बहने की। और बाकी सामने वहाँ पे पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो ये है 1VR का बोटिंग पॉइंट, यहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं और एक बंदे का किराया है 50 रुपये पर पर्सन है 50 रुपये, जितने बंदे बोट में जाएंगे उस हिसाब से किराया लग जाएगा। और पीछे देखिए बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, देखिए
तो दोस्तों इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे मणिकरण और कसोल, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।